नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र सिद्ध संतों की तपोस्थली बागेश्वर धाम में यूं तो वर्ष भर धार्मिक अनुष्ठान एवं महोत्सव आयोजित होते रहते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के पर्व पर बागेश्वर धाम पीठाधीश पर गरीब एवं बेसहारा कन्याओं के विवाह करते हैं। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी 8 मार्च महाशिवरात्रि को 151 गरीब कन्याओं के विवाह का महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। आयोजन की श्रृंखला में 14 फरवरी से 20 फरवरी तक महाराज श्री के मुखारविंद से कथा रसपान करने का भक्तों को अवसर मिलेगा। वहीं जाने माने राष्ट्रीय कवि एवं कथावाचक डॉक्टर कुमार विश्वास अपने अपने राम थीम पर 27 से 29 फरवरी तक कथा करेंगे। बता दें, रविवार को बागेश्वर धाम में मीडिया से संवाद करते हुए महाराज श्री ने कार्यक्रम की बिंदुवार जानकारी दी। बागेश्वर धाम पीठाधीश पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चर्चा करते हुए बताया कि 27 से 29 फरवरी तक डॉक्टर कुमार विश्वास की कथा शाम 4 से 7 बजे तक होगी। 1 मार्च से 7 मार्च तक प्रख्यात कथा वाचक इंद्रेश महाराज की श्रीमद् भागवत कथा आयोजित होने जा रही है। वहीं देश विदेश से जुड़े बागेश्वर धाम बगिया के पुष्प इन आर्थिक धार्मिक आयोजनों और विवाह महामहोत्सव के साथी बनेंगे। वहीं बता दें कि 8 मार्च महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 151 गरीब बेसहारा कन्याओं को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ परिणाम सूत्र में बांधा जाएगा। वहीं बता दें कि महाराज ने गत वर्ष जिन बेटियों को विवाह सूत्र में बांध कर विदा किया था, उनसे भेंट कर उनका हालचाल जाना। बागेश्वर धाम में होने वाले कन्या विवाह महामहोत्सव में देश के 6 राज्यों की 151 बेटियों के परिणय सूत्र में बांधा जाएगा। वहीं जिन 151 कन्याओं का चयन किया गया है, उनमें छतरपुर जिले से 75, पन्ना से 14, टीकमगढ़ से 10, झांसी से 7, दमोह से 7, महोबा से 7, सागर से 4, सतना से 4 बेटियां शामिल हैं। वहीं इन कन्याओं में 10 दिव्यांग कन्याएं भी शामिल हैं। वहीं इसके अलावा 24 कन्याओं के सिर से माता पिता का साया उठ चुका है। वहीं 59 ऐसी कन्याएं हैं जिनके पिता देवलोक चले गए हैं। वहीं 10 उन कन्याओं के भी हाथ पीले हो रहे हैं जिनकी जननी नहीं है। वहीं इस महोत्सव में 48 अति गरीब कन्याओं को परिणय सूत्र में बांधा जा रहा है।